मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद हम तनवर नगर नाके पे, जो पुराना पेट्रोल पंप था। यहाँ पर देखेंगे आपकी कचरा कितना यहाँ पर फिर दोबारा फेंका गया। हालांकि इसके खिलाफ जो है मुमरा शहर की MIM पार्टी ने आवाज़ उठाई, धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। मनपा के तरफ से लेटर भी दिया गया कि यहाँ पर कचरा नहीं डाला जाएगा, लेकिन आप देखेंगे दो दिन, एक दिन बंद किया गया यहाँ कचरा डालना, लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर कचरों का अंबार जो है लगना शुरू हो गया। इस तरह से बताया जा रहा है कि 2 से 3 गाड़ियाँ कचरा यहाँ से भरकर लेकर जाया गया, और भी यहाँ पर कचरा लाकर लोग डाल रहे हैं। इनकी जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं वो भी कचरा यहीं पर लाकर डाला जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर मनपा प्रशासन के तरफ से MIM पार्टी को लेटर दिया गया कि हम यहाँ पर कचरा दोबारा नहीं डालेंगे, तो इसका मतलब दोबारा कचरा डाला जा रहा है, यानी मनपा की तरफ से भी जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेटर जारी करने के बाद उसके बावजूद यहाँ पर फिर लेटर कचरा डाला जा रहा है। ये सवाल उठता है कि आखिर यहाँ पर शहर के बीचों बीच कचरा डंप क्यों किया जा रहा है? पूरे शहर में इस गंदगी से बीमारी आखिर क्यों फैलाई जा रही है? लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, इस तरह की तमाम बीमारियां जो है फैल रही हैं। बच्चों को बुखार चढ़ रहा है, लेकिन जो है इस तरह का कचरा शहर के बीचों बीच डंप किया जा रहा है। आने जाने वाले जो लोग हैं, देखेंगे यहाँ से नाक बंद करके वो जाते हैं, काफ़ी परेशानी होती है। इसी शहर से लोगों का आना जाना होता है, जो दूसरे शहर के लोग हैं। मुमरा शहर का नाम जो है इस तरह से जो है बर्बाद किया जा रहा है कि बीच सड़क पर यहाँ पर कचरा मुमरा शहर में डंप किया जाता है। मित्तल के पास भी डंप किया जा रहा था, वहाँ पर MIM पार्टी विरोध प्रदर्शन की, उसके बाद मित्तल के लिए मैं यहाँ पर तनवर के नगर के लिए जो है कचरा डंप किया जाता था, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की। और हैरानी तो इस बात की कि मनपा ने लेटर दिया कि अब कचरा यहाँ नहीं डालेंगे, उसके बावजूद कचरा यहाँ डाला जा रहा है। MIM पार्टी अपने तरफ से इसको लेकर लगातार आवाज़ उठा रही है, लेकिन वही कहा जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, जिस शहर में अंधेरा हो राजा ही चौपट हो, उसमें देखेंगे आप इसी तरह का माहौल रहता है। ये कचरा देख रहे हैं आप, यहाँ पर कितनी गंदगी है और लोगों का आना जाना यहाँ पर है। शहर के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कचरा डालने के खिलाफ रोड पर आवाज़ उठाए, लेकिन कोई भी ऐसे कचरा जो डाला जाता है कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। सिर्फ मीडिया कर्मियों को फ़ोन करेंगे कि भाई वहाँ कचरा डाला गया है, आप लोग न्यूज़ चलाइए। अगर हम कह देते हैं कि भाई बाइट तो दीजिए, कचरा डाला गया, नहीं हम बाइट नहीं देंगे, फला नगर सेवक एक बार नाराज़ हो गया था, हम बाइट दिए थे, इस चीज़ से आम जनता को निकलना पड़ेगा। और ऐसे कचरा जहाँ फेंका जाता है, ऐसे और भी शहर के जो मुद्दे हैं उनके खिलाफ़ विपक्ष की राजनीति पार्टी के अलावा और भी जो शहर के लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, उनको भी नींद से जागना पड़ेगा, उनको भी इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जाकर अपना मुमरा शहर जो है सुधरेगा। नहीं इसी तरह से आप लोगों को कचरे में आपको नाक बंद करके यहाँ से आना जाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग दुकान लगाते हैं, हालांकि वो दुकान लगाते हैं, अगर उनसे भी हम इंटरव्यू लेंगे, बात करेंगे, तो कल उनकी भी ठेला गाड़ी यहाँ से हटवा देंगे, उनके भी कार्रवाई की बात की जाएगी। यहाँ पर कचरा डंप होता है, गंदगी बदबू आती नहीं आती, बीमारी फैल रही ना, कल को आपके ऊपर भी बोलेंगे कि आप यहाँ धंधा लगा रहे हैं और कचरे के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आप पर भी कार्रवाई करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। और लोग हैं यहाँ पर, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या बोलते हैं इसको लेकर, ये कचरा यहाँ पर डंप किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप लोग आ रहे हैं? हाँ नहीं बोलेंगे, ऐसे कचड़ों की खुशबू लेकर यहाँ से लोग जाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे ऐसे कचड़ों के खिलाफ कि रोड पर जो कचरा डंप किया जा रहा है उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाने को राजी होता। अगर सिर्फ मीडिया कर्मियों को, विपक्षियों को बोला जाता है कि अरे आप लोग बोलते नहीं हो, अरे हम तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मुमरा शहर के लोगों की आँख कब खुलेगी, कब उनकी वो नींद से जागेंगे? यहाँ से नाक पर पट्टी लगाकर, हाथ लगाकर बंद करके यहाँ से लोग जा रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने कोई बोलने को राजी नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्या कहेंगे आप, मार्केट आई थी इस तरह के जो यहाँ पर, नहीं बोलेंगे? ये हाल है मुमरा शहर का, कोई भी बोलने को राजी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हालांकि कुछ हॉकर्स हैं जो धंधा भी लगाते हैं, और ये पुराना पेट्रोल पंप तनवर नगर का इलाका है। इस तरह से गाड़ियाँ अब लाकर यहाँ पर कचरा जो है वो
डंप किया जा रहा है, लेकिन अगर शहर की समस्या से निपटना होगा तो पत्रकारों के साथ साथ मुंब्रा शहर की आम जनता, आम नेता जो और जिम्मेदार है, उनको भी रजाई कंबल जोड़कर सो रहे हैं, उससे बाहर निकलने की अब ज़रूरत है।